आज हम बनाएंगे बहुत ही कम सामान में ये ओरियो केक। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी रेसिपी मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक भारी तले का पतीला, उसमें हमने थोड़ा नमक डाल दिया है और हमने इसके अंदर गैस का स्टैंड रख दिया है। अगर आप गैस का स्टैंड नहीं रखना चाहते तो ऐसी कोई प्लेट भी रख सकते हैं। तो गैस का स्टैंड सभी के घर में उपलब्ध होता है, तो हमने इसके अंदर रख दिया है। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से प्रीहीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 ओरियो बिस्किट लिए हैं। मैंने यहाँ पर 2 व्हाइट क्रीम वाले बिस्किट और 2 चॉकलेट वाले बिस्किट लिए हैं। तो मैंने यहाँ टोटल 4 10-10 रुपये वाले ओरियो बिस्किट लिए हैं। तो अब हम एक बॉल लेंगे और बॉल में इन सभी को खोल कर डाल देंगे। तो हम इन सभी को इस बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे इस बॉल में। तो ये मैंने सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। तो अब हम इसकी वाइट वाली क्रीम को प्लेट में अलग करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे अलग रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, वरना ये एक दूसरे की चिपक जाएगी। तो हम इसको ऐसे सारे अलग कर लेंगे। तो मैंने सारी अलग कर ली है। अब हम लेंगे एक कटोरी। तो कटोरी में हम जो चॉकलेटी क्रीम है उसको भी अलग कर लेंगे। तो इन सभी को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम इसके सारी क्रीम को अलग कर लेंगे बिस्किट से। तो मैंने सारी बिस्किट की क्रीम को अलग कर लिया है। तो अब हम लेंगे ग्राइंडर मिक्सर जार, उसमें हम इस बिस्किट के टुकड़े कर 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 डाल देंगे, जिससे हमारा एक फाइन पाउडर बनकर तैयार होगा। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। तो हम इस बिस्किट के पाउडर को बॉल में निकाल लेते हैं। तो मैंने निकाल लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब हम लेंगे 1 कप दूध। तो हम 1 कप दूध लेंगे। तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, जिससे इसके अंदर लम्स ना पड़े, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। तो थोड़ा दूध और डाला मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम देखिए थोड़ा गाढ़ा हो चुका है बैटर, तो हमें थोड़ा ही दूध डालना है। तो गाढ़े बैटर को हम 1 बड़ा चम्मच अलग कर लेंगे कटोरी में। हम इसे डेकोरेशन के लिए काम में लेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच हमने कटोरी में निकाल लिया है गाढ़े पेस्ट को। अब जो बचा है उसके अंदर हम थोड़ा दूध और डाल लेंगे और केक का बैटर अच्छे से तैयार करेंगे। और एक बार में हमें पूरा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे। तो दूसरी तरफ हमने जो ये केक टिन या बर्तन लिया है, इसके अंदर हमने बटर पेपर लगा कर अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। तो ये हमारा तैयार है। तो दूसरी तरफ हमारा एक घोल है, जो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, हमने 1/2 कप दूध बचा लिया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच इनो। हमें चम्मच 1 चम्मच ही डालनी है इनो की। और इसके अंदर थोड़ा दूध डालकर इसे एक्टिव करने के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन इसकी एक ही होनी चाहिए और ये काम हमें फटाफट से करना है। और हम इसको केक टिन में डालकर अच्छे से निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा टेप करने के बाद इसको पतीले में रख देंगे पकाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब हम इसको ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैं 25 से मिनट बाद दिखाती हूँ आपको। तो मैं आपको फ्लेम भी दिखाती हूँ, ये फ्लेम होना चाहिए लो टू मीडियम। तो 30 मिनट पकने देंगे। तो 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा केक अच्छे से पक चुका है। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं टूथपिक लूँगी और इसके अंदर डालकर देखते हैं हमारा क्लीन है। अगर आपको थोड़ा कच्चा और इसके चिपके तो आप समझ इसको 5 मिनट और पका लेना। तो हमारा तो पक कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको बाहर रखकर और ठंडा करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने ली है 1 डेरी मिल्क। तो ये 10 रुपये वाली डेरी मिल्क है। हमने इसके अंदर एक गर्म चम्मच दूध डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें डेरी मिल्क को अच्छे से पिघलना है। तो ये देखिए हमारी पिघल कर तैयार हो चुकी है।
तो ये हमारी तैयार है। तो दूसरी तरफ हमने जो चॉकलेट क्रीम अलग की थी उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ी हार्ड काम लगता है एक बार के लिए, एक दो मिनट में हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जो हमने डेयरी मिल्क ली थी उसे पिघाला था वो भी इसके अंदर डाल देंगे फ्रॉस्टिंग के लिए। तो ये मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से एक दो मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से फेंटना है। तो 4 से 5 मिनट बाद ये अच्छे से फिट चुकी है। और दूसरी तरफ हमने जो व्हाइट क्रीम ली थी उसके हमें फ्लावर बनाने हैं डेकोरेशन के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे 4 लेने के बाद इसे अच्छे से रोल करना है। तो हमने रोल कर लिया है, अब हम इसके बीच से कट लगाएंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे फ्लावर बनकर तैयार हुए हैं। तो हम इसके 2 कर लेते हैं। तो बीच से चाकू से कट लगा दिया मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे फ्लावर बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम ये भी बना लेंगे, तो इसके भी अच्छे से कट लगा देंगे। तो टोटल मैंने 4 फ्लावर बना लिए हैं। अब हम इसको थोड़े ऐसे पत्तियों को थोड़ा फैला देंगे जिसे दिखने में सुंदर लगे। तो मैंने इन सभी को अच्छे से फैला दिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बनकर तैयार हुए हैं। तो ये सारे फ्लावर बना लिए हमने। और ये जो 2 क्रीम बची थी इसकी हमें पत्तियाँ बनानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से हम पत्तियाँ बना लेंगे। इसी तरीके से हम इन सभी की पत्तियाँ बना लेंगे। तो मैंने सारी पत्तियाँ और फ्लावर बना लिए हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। और हमारा जो दूसरी तरफ केक था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम इसे चाकू से थोड़ा छुड़ा लेंगे। तो छुड़ा लिया मैंने। अब प्लेट में हम उल्टा करके अच्छे से टैप करेंगे 3 से 4 बार। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से निकल कर तैयार हो गया है। तो हम इसका बटर पेपर निकाल लेते हैं। ये बटर पेपर हमने घर पर ही बना कर तैयार किया है। तो ये देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको भी आपके पास शेयर करूंगी। तो देखिए हमारा कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। तो हम इस शुगर सिरप बना लेते हैं। तो मैंने 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया और शुगर सिरप को इस केक के ऊपर अच्छे से लगा देंगे जिससे हमारा केक सॉफ्ट बना रहे लंबे समय तक। अगर आपको ऐसी और भी केक की रेसिपी देखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो हमने जो क्रीम बनाई थी फ्रॉस्टिंग के लिए वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से फैला देंगे चाकू की हेल्प से। आप इसे चूल्हा की सहायता से भी फैला सकते हैं, पर मैं तो चाकू की हेल्प से ही फैला दूंगी। तो मैंने फैला दिया अच्छे से चारों तरफ। और अब हम इसके ऊपर रख देंगे फ्लावर्स। तो मैंने ये फ्लावर्स भी रख दिए हैं। इसी तरीके से हम चारों फ्लावर रख देंगे। तो मैंने चारों फ्लावर भी रख दिए हैं। अब हम इनके पत्तियां भी रख देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है। और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें जिससे आगे भी आपको ऐसी रेसिपी मिलती रहे। तो मैंने सारी पत्तियां इसी तरीके से लगा दूंगी इसके ऊपर। तो मैंने सारी पत्तियां लगा दी है। अब हमने जो 1 चम्मच जो पेस्ट बचाया था वो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने इसके कोन में डालकर ऐसे डाल लिया था। और हम इसको पत्तियों की डिजाइन लगा देंगे इसके ऊपर कोन से। इसी तरीके से हम साड़ी पे लगा देंगे। देख सकते हैं कितनी सुंदर पत्तियां बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने जो कोन बनाई थी उसे थोड़ा मोटा कर लिया है और इसके नीचे ऐसे डेकोरेशन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसी से कर रही हूँ, किसी नोजल का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। आप लॉकडाउन में इसे आराम से बना सकते हैं। और हम इसके थोड़े ऊपर ऐसे लाइन भी बना देंगे और थोड़ा हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा देंगे। तो तैयार है हमारा ओरियो केक। इतने देखा आपने बनाना कितना आसान है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो आप सोच ही सकते हैं कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे भी आपको ऐसी रेसिपी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।